क्या आप कभी रात में घूमने गए हैं? मतलब एकदम देर रात 2-3 बजे तारे गिनते गिनते पार्क में टहलते टहलते। नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आते हैं आज के एनिमे में, जो है कॉल ऑफ द नाइट या जापानीज में योफुकाशी नो ओत्तो। एनिमे कैसा है? एनिमे का फर्स्ट 3 एपिसोड थोड़ा स्लो पेस में चलता है। एनिमे वैम कॉम रोम कॉम एनिमे है। इस एनिमे का नाइट व्यू मतलब नाइट एनिमेशन बड़ा सुंदर है। कलर पैम्पलेट एकदम मस्त है। इंट्रो और आउट्रो सॉन्ग मुझे पसंद आया। इंट्रो सॉन्ग 90s वैम्पायर वाइब्स दे रहा है। ऑथर शायद हमें ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप दिन को एंजॉय करते ना, वैसे ही आप रात को भी एंजॉय किया करें। एनिमे का प्लॉट क्या है? 14 साल का को जिसको सोने में प्रॉब्लम होता है लाइफ में चल रहे स्ट्रेस को लेकर, तो वह रात को घूमने लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात नाजुनो जो एक वैम्पायर है और जो सोचती है इंसान रात को इसलिए सो नहीं पाते क्योंकि वह संतुष्ट नहीं है दिन भर में किए गए काम को लेकर। अभी क्या इन दोनों में रोमांस हो पाएगा? इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। क्या आपको ये एनिमे देखना चाहिए? नाइस क्वेश्चन। अगर आपके पास थोड़ा पेशेंस है 3 एपिसोड तक तो हाँ, आप ये एनिमे देख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये वन टाइम वॉच ही एनिमे रहेगा। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर मेंशन कीजिएगा। और क्या आप रात में घूमने जाते हैं? और क्या आपने ये एनिमे देखा है? और देखा है तो क्या आप दूसरे को ये एनिमे रेकमेंड करेंगे? ये भी नीचे कमेंट बॉक्स पर मेंशन कीजिएगा। और ऐसे नए वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट सी यू माइक ड्रॉप।